सोशल मीडिया के इस दौर में जहां हर चीज तक बआसानी रसाई हासिल है, वहीं पर इस रसाई ने जाती तालुकात में करवाहटें भर दी हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे चल रही रील्स हमारे वक्त को जाया तो करती ही हैं, साथ में हमसे वो तवज्जो और एहसास छीन लिया है जिसके हकदार हमारे अपने हैं। इंस्टाग्राम या फेसबुक पे रील्स बनाना इतना आम हो गया है कि जहां देखे लोग ट्रेंड्स फॉलो करते, रील्स बनाकर शोहरत हासिल करने और लाइक्स और व्यूज की लालच में लगे हुए हैं। और इसी चीज ने अपनों को भी दूर कर दिया है, जिससे घरों में रिश्तों में तनाव बनने लगता है और बढ़ते बढ़ते एक हद आ जाती है जहां रिश्ते खत्म होने लगते हैं या रिश्ते रखने वाले भी। रिश्ते रखने वाले शख्स से मेरी मुराद है कि लड़ाई झगड़े में हाथापाई होती है और वो हाथापाई कभी कभार किसी की मौत की वजह बन जाती है। ऐसा ही एक वाकया सामने आया है जहां इंस्टाग्राम की एक रील की वजह से मियां बीवी में लड़ाई झगड़े ने ये सूरत इख्तियार कर ली कि शोहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। ये अफसोसनाक वाकया है कोलकाता का, जहां 38 साल शख्स ने 35 साल अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। वजह ये थी कि इंस्टाग्राम पे वो रील्स पोस्ट करती थी जिसके जरिए उसके फॉलोअर्स बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से इस जोड़े में इख्तलाफात पैदा होने लग गए और नौबत यहां तक आन पहुंची कि शोहर बीवी का जानी दुश्मन बन गया। आपको बताऊं तो इस जोड़े की शादी को 17 साल हो गए थे। इनके दो बच्चे हैं, बेटा 7वीं क्लास में है जबकि बेटी छोटी है जो कि नर्सरी में है। ये वाकया जुमा को कोलकाता के जोया नगर पुलिस स्टेशन के दायरा इख्तियार में हरि नारायणपुर में उस वक्त पेश आया जब इस जोड़े के बच्चे घर पर नहीं थे। जिस शख्स ने अपनी बीवी का कत्ल किया है, पुलिस ने उसकी शनाख्त परमल के तौर पर की है जो पेशे से मिस्त्री है। परमल को अपनी बीवी पर शक था कि उसके गैर अज़दवाजी ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से उसकी शादीशुदा जिंदगी खराब हो रही है। वहीं पुलिस का ये भी कहना है कि इस जोड़े में अक्सर झगड़े रहते थे। जब से परमल की बीवी यानी कि अपर्णा ने सोशल मीडिया पर रील्स बनाने और शेयर करना शुरू की थी, और ये मामला तब खराब होने लग गए जब अपर्णा की मुख्तलिफ लोगों से इंस्टाग्राम पे बातचीत होने लग गई थी। वाकये का तब पता चला जब परमल और अपर्णा का बेटा जो ट्यूशन क्लास गया था वापिस आया तो उसने अपनी माँ की लाश खून में लथपथ पड़ी मिली। परेशान होकर उसने सायरन बजाया जिससे वहाँ के लोगों ने हुकाम को आगाह किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बच्चे ने पुलिस को वालदेन के दरमियान होने वाले झगड़ों के बारे में पुलिस को बताया और इनकशाफात किया कि इससे पहले भी इसकी मां को जान लेने की धमकियां दी जाती थी। वहीं पुलिस का ये भी कहना है कि इन्हीं लड़ाई झगड़ों की वजह से अपर्णा ने अपने शोहर यानी कि परमल को एक मुद्दत के लिए छोड़ दिया था, उससे अलग हो गई थी और अपने माँ बाप के घर पर रह रही थी। बहरहाल परमल अभी फरार है और पुलिस उसको ढूंढने में लगी हुई है और मौका वारदात से वो वेपन बरामद कर लिया गया है जिससे परमल ने अपर्णा का कत्ल कर दिया।